तो बात करते हैं ऐसे प्राणियों की जिनसे अलग होने के बाद जिंदगी में उनका शक्ल देखने का मन ही नहीं करता। रूममेट्स, मतलब जब भी आप लंबे समय के लिए घर से बाहर हो, चाहे पढ़ाई के लिए चाहे जॉब के लिए, तो आपको ज़रूरत पड़ती है रूम ढूंढने की और उसके साथ साथ रूममेट्स। रूममेट्स ना दो तरीके के होते हैं, या तो उनको आप पहले से जानते हैं, या तो दोस्त या कज़िन या कोई रिलेटिव, या तो आप उनसे पहली बार उस रूम पर ही मिलते हैं। और इन लोगों की कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी। तो मैं आपको रूममेट्स को लेकर अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। तो 2010 से लेके अभी तक, छत्तीसगढ़ से लेके मुंबई तक, मैंने काफ़ी रूम बदले और साथ में रूममेट्स भी। तो छत्तीसगढ़ में मेरा एक रूममेट था, वो जब बात करता था तो उसकी बात में मेन पॉइंट सिर्फ 2 मिनट का होता था और बाकी फालतू बैकग्राउंड 10 मिनट का। तो एक बार किसी बंदे को कुछ चीज़ बता रहा था, मैं बगल में बैठा सुन रहा था, तो कहता, अरे वो शिव मंदिर देखे है ना, वो मार्केट के पास, अच्छा जहाँ पे वो बरगद का पेड़ है वो? अरे नहीं नहीं बरगद नहीं, नीम है, नीम का पेड़ है। अरे हाँ नीम है लेकिन बरगद भी है ना? हाँ लेकिन मेन तो नीम है ना। नीम बड़ा कैसे हुआ? नीम है इतना छोटा सा, बरगद इतना बड़ा सा, तो मेन तो बरगद हुआ ना। अरे तो नीम इतना छोटा इसीलिए तो मेन हुआ ना, सीधे दिखता है, बरगद इतना बड़ा मेरे को क्या पता पत्ता ऊपर है। तो वो जो है ना शिव मंदिर, उससे तो सीधे जाएगा है ना, सीधे, और लेफ्ट लेगा दूसरे वाले लेफ्ट, है ना, लेफ्ट मतलब बायां, समझ रहा? सीधे मत चले जाना नहीं तो गटर में गिर जाएगा, सामने खुदाई हो रही है, कैसा जब लेगा। और मैं सोच रहा हूँ यार कब इसका लोकेशन क्लियर हो तो कहानी आगे बढ़े। तो कहता लेफ्ट लेगा तो वहाँ पे साहू सर का घर है जिसमें साहू सर भी रहते हैं। तो साहू सर की एक बेटी है, वो मेरी बहन की सहेली है। अबे तू सीधे बता देता साहू सर की बेटी तेरी बहन की सहेली है। अरे तो इसको समझ में नहीं आता ना यार, समझ नहीं रहा, तू चुप कर। तो जो साहू सर की बेटी है वो मेरी बहन की सहेली है ना। तो एक बार मंजू शर्मा मेरे घर आई। अबे जब बाप साहू है तो बेटी मंजू शर्मा कैसे हो गई? अबे मंजू शर्मा दूसरी सहेली मेरी बहन की, वो अलग है यार। ठीक है चल, हाँ तो मेरे घर पे मंजू शर्मा आई। अब चारों लोग बैठ के चाय पी रहे थे। अब चार लोग कैसे हो गए? कहता देख, मेरी बहन, साहू सर की बेटी, मंजू शर्मा और मेरी माँ। तेरे घर के फर्श में क्या स्प्रिंग लगा है जो कोई भी उछल के आ जाता है? कहता तू चुप रहे। हाँ तो चाय पी रहे थे। तू सभ्यता आंटी? अब सभ्यता आंटी कहाँ से आ गई? कहता सभ्यता मेरी माँ का नाम है। तो अपनी माँ को तो आंटी क्यों बोल रहा है? अबे मैं नहीं बोल रहा हूँ आंटी, पूरा सुन लिया कर। मंजू शर्मा ऐसा बोली कि सभ्यता आंटी चाय अच्छी बनी है। ले भाई सुना तो, ठीक है सुना। तो उसके बाद तो मंजू बोली कि सभ्यता आंटी आप कैसी है? माँ बोली बहुत अच्छी हूँ। तू बता तू कैसी है? तू स्वीटी बोली अच्छी हूँ। अबे जब मंजू शर्मा और तेरी माँ की बात चल रही है, स्वीटी कैसे अच्छी हो गई, कौन है ये? कहती मंजू शर्मा के घर का नाम ही स्वीटी है, मेरी माँ उसको स्वीटी बुलाती है, समझ रहा तू? तू सुना भाई तू। हाँ तो सुनाने देगा तो ना। तो मंजू शर्मा बोली मम्मी को कि उसकी बड़ी दीदी की शादी है। अब उसकी बड़ी दीदी की शादी, मेरे को भी तो जाना पड़ेगा ना, तो भाई मेरे को तेरा ब्लेजर चाहिए, यही पूछ रहा था। अबे तू सीधे पूछ लेता कि तेरे को शादी में जानी इसलिए तेरे को ब्लेजर चाहिए। कहता तू सीधे बोल देता तो इसको समझ में नहीं आता ना मंजू शर्मा कौन, उसकी दीदी कौन। आप सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या? मंजू शर्मा कौन पता नहीं, ये खुद मंजू शर्मा का 8वां बॉयफ्रेंड है। ऐसी एक रूममेट था मेरा, सब्जी में इतना मसाला डालता था, ऊपर से लाल मिर्च पाउडर, मतलब आप 2 दिन खा लो ना, अगले दिन कमोड में बैठे आपको रियलाइज होगा आप रॉकेट बन चुके हैं। जितना गरम खाना खाया था उससे डबल गरम अंगारे निकल रहे। मन करता था सीधे बर्फ की सिल्ली में बैठ जाऊं, इतना जलन। एक दोस्त रात को आया खाना खाने के बाद, सुबह गीली चड्डी पहन के घूम रहा, कहते यार बहुत जलन हो रही। एक दोस्त को तो इतनी जलन हो रही थी, मनोरथ का ठंडा थैल घिस के बैठ गया, उसको लगा और ठंडा हो जाएगा, उल्टा इतना जलन हुआ मेरी गोदी में आके बैठ गया। कहता भाई हरीश फूक, भाई फूक, अबे मैं कोई तांत्रिक हूं जो फूकू? ऊपर से बैठ गया, मेरे को और डबल जलन हो रहा।
मतलब इसकी मसाले वाली सब्जी कोई कुत्ता भी खा ले, वो अगले दिन आके कंप्लेन करता है कितना मसाला डाला बे, पाइल छो गया मालूम। तो एक बार मैं वॉशरूम से फ्रेश होके जैसे तैसे बाहर निकला, बहुत जलन हो रही थी, मेरे को देख के फिर कहता हरीश मसाला चाय पिएगा? मसाला तेरी तो और मैं सबसे ज्यादा परेशान होता था पानी के बॉटल से, मतलब एक ही बॉटल था, चार लोग उसमें पीते थे, मैं बार बार भर के रखता, हम लोग खाली कर देते, तो मैं परेशान हो गया था। तो मैंने सबके लिए चार बॉटल का एक सेट ऑर्डर किया, सबके लिए एक एक, और उसके ढक्कन में सबके नाम का पहला अल्फाबेट चिपका दिया कि अब कोई किसी के बॉटल से नहीं पिएगा। 2 दिन तक तो मेरे को पानी फुल मिला अपने बॉटल में, तीसरे दिन फिर से खाली, अब मैं सोच रहा हूँ यार पानी गया कहाँ, अभी तो मैं भरा और पिया भी नहीं। बाद में समझ में आया ये साले अपने बॉटल का ढक्कन मेरे में शिफ्ट कर देते थे। आलसीपना का लेवल देख रहे हो। वैसे ही एक मेरा रूममेट था कचरा करने वाला, दिन भर कचरा करते रहता था, ऐसा लगता था ना उसने अभियान ही छेड़ दिया है, गंदे दिखो गंदे लगो। उसका तो हमने नाम ही रखा था कचरा कुमार, मतलब खाना खाता था आधा खाना प्लेट में ही छोड़ के बेसिन में, ऐसा लगता था पूरे घर के कॉकरोच और मच्छर और जितने मक्खियां हैं ना उनको उसने गोद ले रखा है, उन्हीं के लिए छोड़ता है। और जिस दिन खाना कम बनाए उस दिन 2 बार लेके पूरा खाएगा और 3री बार लेके फिर आधा छोड़ेगा। और खाना जहाँ खाता था कई बार वहीं पे ही बर्तन रख देता था। तो एक बार सोफे में बैठा चाय पी रहा और सामने देख रहा यूट्यूब, जैसे ही चाय खत्म हुई कप रख दिया जमीन में और क्रिएटिविटी देखो सरका दिया सोफे के नीचे, ऐसे करते करते सारा बर्तन सोफे के नीचे, और हमको लग रहा काम वाली बाई चुरा के ले जा रही। तो जिस दिन हमने रूम शिफ्ट किया सोफा उठाया सारा हड़प्पा सभ्यता का अवशेष वहीं मिला। उसको देख के कहते अरे ये सारे यहाँ थे, और मैं कब से ढूंढ रहा था, सारा इतनी जोर से झापड़ मारूंगा ना तो खुद सामने से रिक्वेस्ट करेगा भाई एक बार और मांस, गर्दन सीधी नहीं हो रही। वैसे एक अपना रूम था उसमें ना बर्तन धोने की सुविधा नहीं थी, जगह नहीं था, तो हम बर्तन लेके वॉशरूम जाते थे धोने, तो कई बार ऐसा ऑयल या दाल वाल बिखरा पड़ा रहता था वॉशरूम में। तो एक बार किसी दोस्त का बर्थडे था तो हमारी सहेलियाँ आई रूम में, रात रात को हम लोग खाना वाना खाए फिर सब सो गए। अब हम सारे लड़के हॉल में सोए, अचानक से एक सहेली रात के 2 बजे अपने रूम से निकली गई वॉशरूम, जैसे उसने दरवाज़ा बंद किया भड़ाक से गिरने की आवाज़ आई, सारा बाल्टी मग्गा इधर उधर। हम सारे समझ गए गिरी तो है लेकिन डांट नहीं खाना, इसलिए सारे कंबल ओढ़ के सो गए। अब वो निकल के जैसे तैसे दीवार पकड़ते अपने रूम पे जाके सोई। सुबह उठा चाय बनाया, मैं चिल्लाया आजा चाय बन गया, वो दरवाजा खोली ऐसे आ रही साले आज के बाद ना तुम लोग को रूम नहीं आएंगे देख लेना। वैसे एक दोस्त मरियल सा पतला सा दिन भर चड्डी पहन के लेटा रहता था बेड पे, ऐसा लगता था ना वो दादाजी है मैं पोता हूँ मेरे को उसकी सेवा करनी है। एक बार घुस गया किचन में कहता मैं सब्जी बनाऊंगा, इतनी घटिया सब्जी बनाई, खाते खाते खुद कहता कोई मेरा सब्जी लेगा क्या, मैं चार लूंगा, साला खुद का बनाया खा नहीं पा रहा। और उसकी सब्जी फिर पॉलीथीन में लेके हम लोग फेंकने गए, सारे कुत्ते भोग रहे हैं कहते हैं हमारे एरिया मत फेंकना। और मेरे एक रूममेट का भाई आया गांव से, उसने 12th पास किया था, उसको जीजीयू बिलासपुर में एडमिशन लेनी थी, तो 2 दिन तक हमारे रूम में रुका, तीसरे दिन वो चला गया अपने लिए रूम ढूंढने। तो सुबह से लेकर शाम तक वो ढूंढा, और पहले बार वो सिटी में नया आया था, तो वो ढूंढा शाम को आया कहता भाई रूम मिल गया एडवांस दे के आया हूँ मस्त रूम है एकदम, फिर वो थक के सो गया। अगली सुबह उठा बैग निकाल के निकल गया अपने रूम में, 4 घंटे बाद वापस एकदम थका परेशान, बोलते भाई क्या हो गया, कहता यार किस एरिया में कौन सा रूम ढूंढा था मिल ही नहीं रहा भूल गया। अरे तो फोन कर ले, अरे लगाया यार नंबर गलत बता रहा। अगली सुबह उसके माँ बाप ने उसको गांव वापस बुला लिया। तो ये थी उसकी IAS बनने के सपने टूटने की पूरी कहानी।
ऐसे ही एक रूममेट था, वो गाना सुनते सुनते खो जाता था और इतनी जोर से गाता था उसको लगता मैं धीरे गा रहा हूँ इतनी घटिया आवाज़ में। तो हम सारे और मकान मालकिन मज़ा लेने के लिए ना वैसा प्लान करते थे कि उसको हॉल में बिठा देते थे और कान में लगा देते थे हेडफोन और हम लोग छुप जाते थे। तो उस टाइम पे एक फिल्म आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी, उसका गाना सुनता था वो तू जाने ना। अब हेडफोन लगा के छुप गए, अब देखा कोई तो है नहीं, अब गाने लग गया कहता तू जाने ना तू जाने ना। नीचे अंकल पेपर पढ़ रहे थे परेशान होकर वो आ गए, हेडफोन निकाल के थे बेटा अब तक तो पूरा मोहल्ला जान गया है कि हम लोगों ने नया कुत्ता पाला है। फिर मैं आया छत्तीसगढ़ से मुंबई और छत्तीसगढ़ और मुंबई के रूममेट्स में ना एक चीज़ का फ़र्क है, गांजा।